तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि गुड़गांव के अंदर क्या कमर्शियल ओवर सप्लाई है या फिर सही है। शिवम, ओवर सप्लाई बिल्कुल नहीं है। पहले आप ये समझना जरूरी है कि कमर्शियल मार्केट होता क्या है। सी, हम रियल एस्टेट के सेगमेंट को करते हैं ना, तो हमारे रियल एस्टेट ना तीन पार्ट में डिवाइड होता है। पहला कमर्शियल, दूसरा रेजिडेंशियल और तीसरा इंडस्ट्रीज। जब हम रेजिडेंशियल की बात करते हैं तो रेजिडेंशियल में भी देखो सेगमेंट होता है। आपका प्लॉट आ गया, फ्लोर आ गया, अपार्टमेंट आ गया, विला आ गया। सेम जब हम कमर्शियल की बातें करते हैं तो आप देख लो, शॉप हो गया, ऑफिसेज आ गए। शॉप में भी अलग अलग हो जाता है, चाहे वो कपड़े का दुकान हो, रेस्टोरेंट हो, फूड कोर्ट हो, सिनेमा हॉल हो, ये सारे रिटेल का पार्ट हो जाता है। देन ऑफिसेज। यदि मैं कमर्शियल की बात करूं कि ओवर सप्लाई है तो बिल्कुल सही नहीं है। इवन आप देखो, आफ्टर कोविड जो प्रोडक्ट खाली भी थे सडनली वो भर गए। सोना रोड पे बहुत सारे ऑफिसेज खाली थे, आज आपको खाली बहुत कम मिलेंगे। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ओवर सप्लाइड है। और जो गुड़गांव का जो पॉपुलेशन है अभी 24 लाख है, ये आज का डेटा है। आप गूगल पे जाकर गुड़गांव का पॉपुलेशन सर्च करना 2031 का, तो उस समय का पॉपुलेशन गूगल बोलता है 69 लाख होगा। तो आज 24 लाख है, 69 लाख होगा। ये जो डिमांड आने वाला है तो क्या आपको ऑफिस चाहिए कि नहीं चाहिए? बिकॉज सी, गुड़गांव का जो है इसका मेन जो ओरिजिन ही है ऑफिस, आईटी, आईटी, एसीजेड, बीएसएफआई, इन सब वजहों से बना है। यहाँ पे आप लोकल की बात करें तो गुड़गांव में लोकल के नाम पे तो कुछ था ही नहीं। 3 लाख लोग थे, उनकी वजह से गुड़गांव बनता ही नहीं। गुड़गांव बना है साइबर सिटी, जो आई टी, एसीजेड है, मारुति हो गया, होंडा हो गया, बहुत सारी कंपनियां आ गई उसकी वजह से है। कमर्शियल की वजह से आप देखो तो फॉर्चून 500 में 350 कंपनियां गुड़गांव में है। स्टार्टअप की बात करते हैं तो 150 से ज्यादा कंपनियां अभी गुड़गांव में हैं। तो आप देखो कि कितना वर्किंग कपल आ रहे हैं, वर्किंग मेंबर आ रहे हैं। वर्किंग मेंबर जैसे जैसे आते हैं उनका रिक्वायरमेंट घर वगैरह से होता है, और जैसे जैसे लोग आते हैं उनका रिक्वायरमेंट अगेन फिर से कमर्शियल की तरफ तो जाएगा ना। आप रिटेल की बात कर लो तो एक आपको शायद जान करके अजीब सा लगेगा कि एक डेटा आया था कि 400 लोगों पे ना एक बाल काटने के लिए हजाम चाहिए होते हैं। ये एक मतलब जॉक का पार्ट है, बट ये फैक्ट है कि 400 लोगों पे ना एक आपको सलून वाला बंदा चाहिए। जब 70 लाख लोग होंगे तो सिर्फ सलून वाले कितने बंदे की जरूरत पड़ जाएगी, और एक सलून में 5 बंदे तो नंबर ऑफ सलून कितने जरूरत पड़ेगा आप ये देखो। जब सलून का जरूरत पड़ेगा, हमारा बेसिक नीड क्या होता है? रोटी, कपड़ा और मकान। आप आज देखो तो हर एक जगह पे रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, फूड आउटलेट खुल रहा है, लाइक रिमोट वे पे हम बातें कर रहे हैं तो आपका जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, तो ये सब चल रहा है ना। तो ये तो जरूरत है, ये जरूरत है, तो ये रिक्वायरमेंट है, तो ओवर सप्लाइड तो बिल्कुल नहीं है। और रही बात कि मार्केट चलना नहीं चलना, वो अभी हम आगे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ओवर सप्लाइड नहीं है। जो आपका क्वेश्चन था कि क्या कमर्शियल ओवर सप्लाइड है, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों का ये क्वेरीज रहता है। एक्चुअली उन्हें कोई सही समझाने वाला नहीं मिल रहा है। यदि आप सही तरीके से समझाओ तो ओवर सप्लाइड तो है ही नहीं। क्योंकि कई मैंने यूट्यूब चैनल्स पे भी देखा है लोग ये बात करते हैं कि कमर्शियल इज ओवर सप्लाइड इन गुड़गांव, तो अभी काफ़ी हद तक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी।